स्टार्ट करते हैं भाई लोगों। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कल हमने क्या क्या कवर किया था। रिपोर्ट्स क्यों यूज़ में आती हैं ये समझा था। किसी भी मेरे यूज़र को उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या कोई भी फीडेड डेटा को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करना या एज ए डेटा उसको शेयर करना मेरी रिपोर्ट की डेफिनेशन को डिक्लेयर करती हैं, राइट। कितने टाइप्स की रिपोर्ट हो सकती हैं, अपने एग्जीक्यूटिवल वाले विंडो पर हमने देखा कितने टाइप्स की रिपोर्ट्स हो सकती हैं। बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, बट मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो ऑरिकल रिपोर्ट्स या पीएल सीक्वल रिपोर्ट्स ही यूज़ में लाते हैं। बाकी रिपोर्ट्स जैसी भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम अपने रिपोर्ट का टाइप जो चूज़ करते हैं। फिर हमने ये देखा कि किसी भी रिपोर्ट को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले मैं जो एग्जीक्यूटिवल पे जाना होता है, उसके बाद अपने कनकन प्रोग्राम की विंडो पर जाना होता है और एग्जीक्यूटिवल का जो शॉर्ट नेम होता है उसको यूज़ करके मैं अपनी जो कनकन प्रोग्राम की विंडो है उस पर अपने एग्जीक्यूटिवल को फैच करता हूँ या एक्सेस करता हूँ, क्योंकि दोनों के बीच में एक प्रॉपर ज्वाइन होता है। साथ में देखा कि पीएल सीक्वल रिपोर्ट जो एक टाइप है रिपोर्ट का, उस टाइप को यूज़ करके किस किस तरीके की रिपोर्ट बना सकता हूँ। अभी तक हमने केवल और केवल टैक्स रिपोर्ट ही देखा है। साथ में ये भी देखा कि अपने टैक्स रिपोर्ट के ऊपर किस तरीके से हम पैरामीटर ऐड कर सकते हैं और पैरामीटर को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए और अनवांटेड जो वैल्यूज़ हैं वो एज ए पैरामीटर पास ना हो जाए तो उसके लिए हमने जाना वैल्यू सेट मेरे क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। वैल्यू सेट के अंदर किस तरीके से टेबल को यूज़ करते हैं ये अभी तक हमने देखा है। साथ में देखा कि किस तरीके से अपने वैल्यू सेट पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ अगर यूज़ करनी है वो कैसे होती है। वैल्यू सेट के अंदर मीनिंग, आईडी और वैल्यू का क्या मीनिंग है वो हमने देखा। और साथ में देखा कि किसी भी कस्टम टेबल को हम क्यों नहीं फेच कर सकते हैं। ओरेकल ऐप्स की जो एप्लीकेशन लेयर है उस पर बहुत सारी बार, बहुत टाइम हम अपनी जो कस्टम टेबल होती है उनको क्यों नहीं एक्सेस कर सकते हैं, उनका वह रीज़न जाना, कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये अभी तक हमने नहीं जाना है। और क्या देखा कि मेरी जो ओरेकल का जो स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है वो मेरा FND टेबल्स पर चलता है, ठीक है। तो आज के सेशन में जो हम देखने वाले हैं, आज हम एक और रिपोर्ट देखने वाले हैं, अपनी पीएल सीक्वल टाइप की एक और रिपोर्ट देखने वाले हैं जिसमें हम XML रिपोर्ट बनाएंगे, XML, राइट। तो बढ़ते हैं आज के सिनेरियो की तरफ। आज के सिनेरियो में सबसे पहले हम पहुंचेंगे कहाँ, यहाँ पर। क्या लिया था मैंने, पीएल सीक्वल स्टोर्ड प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर बनाया था, प्रोसीजर बनाया था मैंने कुछ इस तरीके का कि एक मैंने अपना कस्टम प्रोसीजर बनाया, उस प्रोसीजर को एज ए कर्सर यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन एज ए पैरामीटर आने वाली है वो ली। साथ में जाना कि दो पैरामीटर्स जो मेरे मैंडेटरी पैरामीटर होते हैं पीएल सीक्वल रिपोर्ट को बनाने के लिए, वो पैरामीटर मैं किस तरीके से यहाँ पर यूज करता हूँ, ठीक है। अपनी रिपोर्ट में FND लॉग और आउटपुट का क्या यूज होता है ये भी देखा, ठीक है। अब सेम रिपोर्ट को, क्योंकि इस रिपोर्ट से हम पहले से फैमिलियर हैं, ये रिपोर्ट के बारे में मेरे को पहले से पता है कि ये रिपोर्ट क्या चीज़ मेरे लिए लेके आ रही है, ठीक है। हमने बनाया था ये वाला प्रोसीजर जिसमें सिंपली अपने पैरामीटर की वैल्यू किस तरीके से लॉग में प्रिंट कराते हैं ये भी देख लिया। अब किस तरीके से हेडिंग लगाते हैं ये देखा। क्यों हेडिंग मैंने बाहर क्यों लगाई ये भी मुझे क्लियर है। क्यों, डेटा मेरा सर्कुलेट हो रहा है, डेटा मेरा यहाँ से रो बाई रो प्रिंट हो रहा है बाय यूजिंग लाइन नंबर 17, क्योंकि लूप में चलेगा डेटा मेरा, तो यहां से मेरा डेटा इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब सेम रिपोर्ट को, अभी कौन सी रिपोर्ट थी ये, इस रिपोर्ट का टाइप था मेरी टेक्स्ट रिपोर्ट। मैं इसको दिखा भी देता हूं आपको कि कौन से टाइप की रिपोर्ट हमने बनाई थी। F11 किया, सिंपली ये नाम दिया, ये दिया, कुछ और नाम से क्या हमने अपने प्रोसीजर, ट्रेनिंग समथिंग था। ओके, रिपोर्ट हमारी कुछ ट्रेनिंग करके, राइट, ट्रेनिंग टेस्ट करके आई थिंक कोई रिपोर्ट हमने बनाई थी। ओके, ये हमने अपना शॉर्ट नेम लिया था और शॉर्ट नेम से निकालते हैं इसका एग्जीक्यूटिवल नेम कि मेरा प्रोसीजर किस नाम का था,
तो ये मैंने शॉर्ट नेम डाला, प्रोसीजर था मेरा, सॉरी यहाँ पास करना है मुझे, ये था मेरा प्रोसीजर, राइट। तो अब प्रोसीजर मेरे पास है, शॉर्ट नेम मेरे पास है, और रिपोर्ट का टाइप कहाँ पे देखूंगा, रिपोर्ट का टाइप देखूंगा यहाँ पर। यहाँ से तो पता लगा किस टाइप की रिपोर्ट है कि पीएल सिक्वल बेस है, बट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट आने वाला था वो किस तरीके से आने वाला था वो मैंने, सॉरी फिर मैंने गलत कहा, एग्जीक्यूटिवल वाले में डालेंगे क्योंकि इसी के साथ उसका ज्वाइन है। ये टैक्स रिपोर्ट आज हम देखेंगे, ये वाला एक्सएमएल वाला, एक्सएमएल को लेने से क्या क्या होता क्या है वो देखते हैं। अभी करंट रिपोर्ट में एक्सएमएल ले लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। सेव कर रहा हूँ, अब रिपोर्ट मेरी यहीं पर है मेरे पास, सबमिट न्यू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ट्रेनिंग मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, एक सेकेंड, मैं कहाँ पर हूँ अभी, क्या मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में एप्लीकेशन डेवलपर में जाना है। रिपोर्ट मेरी यहाँ लगी हुई है, रिपोर्ट को सबमिट करता हूँ एक बार। ओके करते हैं, सबमिट करते हैं, फाइंड करते हैं, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आउटपुट आया है। लॉग और वो मेरे उसी तरीके से काम करेंगे, आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में क्या है मेरे पास। मैंने शायद लॉग पे क्लिक किया है क्या, आई थिंक ओके लॉग पे क्लिक किया, आउटपुट पे भी देख लेते हैं। आउटपुट में देखो यहाँ पर कुछ कुछ आया है आपके लिए, ठीक है। जब कभी भी कुछ कुछ मतलब केवल हेडिंग आई है, कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने रिपोर्ट का टाइप क्या किया, रिपोर्ट का टाइप एक्सएमएल किया, सिस्टम को एक्सएमएल करने के बाद स्ट्रक्चर तो वो एक्सएमएल क्रिएट कर देगा, बट उसकी प्रिंटिंग के लिए उसको एक RTF फाइल चाहिए होती है, जिसको यूज करके वो प्रिंटिंग करता है। RTF कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं ये भी मैं आपको इजीली सिखा दूंगा। अभी अभी के सिनेरियो में ही देखना है कि XML लिया लेकिन इसने स्ट्रक्चर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, इसलिए बिकॉज क्योंकि इसका जो लेआउट है, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ये टेक्स रिपोर्ट के हिसाब से लिखा हुआ है। सिंपल टेक्स प्रिंटिंग करे, पाइप सेपरेटेड या डैश सेपरेटेड या जिस भी तरीके से, मैंने इसमें XML का लेआउट दिया ही नहीं। जब लेआउट दिया ही नहीं तो लेआउट प्रिंट होगा भी नहीं। तो अगर मैं किसी रिपोर्ट को XML लेआउट के साथ बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं सेम रिपोर्ट को, इसी रिपोर्ट को XML लेआउट बनाऊंगा, क्यों, पैकेज तो मेरे पास है ही ना, तो पैकेज को ही तो मुझे मॉडिफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वाली रिपोर्ट को, देखो एक आपके पास ये प्रोसीजर ऑलरेडी है, इसी रिपोर्ट को यूज करके मैं आपको इसका दिखाऊंगा कि सेम लेआउट को भाई XML में क्या होना चाहिए। XML में जो ये प्रिंट हो रहा है ये प्रॉपर टैग के साथ प्रिंट होना चाहिए, तब मेरी वो XML है। XML टैग होते हैं मेरे, XML टैग कैसे स्टार्ट होते हैं, XML टैग मेरे कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है और इस तरीके से एंड होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, लाइक नेम लिख दूंगा, तो नेम का टैग ऐसे स्टार्ट होगा और नेम का टैग ऐसे एंड होगा, और इसके बीच में कोई भी वैल्यू लाइक इस तरीके से, ये मेरे XML के टैग होते हैं। तो टैग में मैं कुछ भी, टैग में बीच में वैल्यू कुछ भी पास करा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और टैग का नाम भी जरूरी नहीं है मैं नेम ही रखूँ, टैग का नाम भी मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे केवल XML का सिंटेक्स मैंने आपको बताया है कि XML टैग कैसे बनते हैं। अब सेम रिपोर्ट को, इसी वाली रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे अपने XML के फॉर्मेट के हिसाब से। और देखो यहाँ पर, चलो जो वो पॉइंट मैं RDF के टाइम आपको बताऊंगा, अभी इसको फॉर्मेट को चेंज करते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, मेरे पास, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी है, एक अलग स्ट्रक्चर में लिख जाता हूँ, ये डाल दिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर जो ये तीन चार वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, यहाँ पर मेरे टैग के हिसाब से काम हो। तो टैग को लिखने का एक तरीका होता है, कैसा तरीका होता है, टैग को लिखने का एक तरीका होता है कुछ इस तरीके का, कि सबसे पहले मैं दूंगा अपना मास्टर टैग, और फिर दूंगा इसी टैग को बंद करने का मास्टर टैग, लाइक कुछ इस तरीके से, नाम कुछ भी हो सकता है, लाइक मैं दे रहा हूँ पी
एम्प्लॉय डीटी, कुछ भी नाम हो सकता है जो आप चाहो, पी भी हटा के केवल एम्प्लॉय डिटेल भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। ये लिया, ये मैंने यहाँ एंड भी कर दिया, टैग स्टार्ट हुआ एंड हुआ, इसको नहीं देखना है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसकी जगह पर तो मैं एक्सएमएल टैग बना रहा हूँ। अभी क्या किया मैंने, मास्टर टैग बता दिया कि यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ से एंड हो। अब मास्टर टैग के बाद मुझे बताना पड़ेगा वो टैग। अभी आपको अगर मैं कुछ गलती भी करूँगा तो टैग आपको ऑटोमेटिकली बताएगा भी कैसे, वो भी देखते हैं। दूसरा टैग होता है चाइल्ड टैग। कैसा चाइल्ड टैग क्या होता है, जिसमें मेरे रिपोर्ट के कॉलम प्रिंट होंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पर ये लिया। गौर करो रिपोर्ट का आउटपुट ही बना रहा हूँ। पहले भी जब आप टेक्स्ट कर रहे थे तब भी आप आउटपुट में ही कर रहे थे, बट वो टेक्स्ट था, हेडिंग आपने ऊपर दी थी, ठीक है, और वैल्यूज आपने यहाँ दी थी। अब क्या चेंज आएगा, चेंज भी समझना है। मैंने वैल्यूज को भी कमेंट कर दिया है और हेडिंग्स को भी कमेंट कर दिया। हेडिंग्स में अब दूंगा आरटीएफ पर, हेडिंग्स दूंगा मैं आरटीएफ पर। कैसे बनेगी, वहां तक अभी पहुंचते हैं धीरे धीरे। मैंने मास्टर टैग दे दिया अपना, ये मास्टर टैग को बंद कर दिया स्लैश के साथ। अब यहां पर मैं अपनी रिपोर्ट की हेडिंग देता हूं कुछ इस तरीके से कि मास्टर टैग के अंदर मेरी इस तरीके से वैल्यूज मेरी सर्कुलेट करेंगी। कैसे कि ई नेम, अब आप इसको ई नेम ऐसा नहीं है मेरी कॉलम के अंदर ई नेम आ रहा है यहां पर तो मेरे को ई नेम लेना, नहीं, ई नेम आपकी वैल्यू हो सकती है लेकिन टैग आपका कुछ भी हो सकता है। लाइक आप दे दो ई एम पी अंडरस्कोर नेम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे स्टार्ट कर रहे हो उसी से एंड भी करना है। कितने कॉलम थे मेरे स्टार्टिंग में, ई नेम जॉब सैलरी, यहां पे भी ई नेम जॉब सैलरी यही तीन लेता हूं सो देट आपको सिमेट्री दिखाई दे। जॉब का ले लिया, जॉब देना है जॉब दो, ई जॉब देना है ई जॉब दो, जॉब ऑफ एम्प्लॉय दे दो ई एम्प्लॉय ऑफ जॉब दे दो, जो देना है वो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैग से कोई मतलब मेरा टैग से मेरी कोई आपस में चीज लिंक नहीं है। टैग सीन में तभी आएंगे जब मैं इसका आरटीएफ बनाऊंगा, जब इसका डिजाइन बनाऊंगा। सैलरी को सैलरी रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब लूप चल रहा है, लूप के हिसाब से वैल्यूज आएंगी मेरी, पहली दूसरी मतलब दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, और ये इसी तरीके से प्रिंट होंगे। अब इस रिपोर्ट को यहाँ पर एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखते हैं मेरा क्या बोलता है पैकेज। प्रोसीजर मेरा सक्सेसफुली हो गया, सेम रिपोर्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम रिपोर्ट है, बट मैंने हेडिंग और जो वैल्यूज थी उनको थोड़ा सा डिफर कर दिया है, टैग के अंदर उसको सेग्रीगेट कर दिया है। टैग में मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हेडिंग्स मैंने अभी यहाँ पे कमेंट की हुई है। अब मैं सेम रिपोर्ट को चला के दिखाता हूँ और देखते हैं अब की बार क्या चेंज आता है। चल गया रिपोर्ट, आउटपुट देखते हैं रिपोर्ट का। आउटपुट रिपोर्ट के आउटपुट में अभी भी कह रहा है कि भैया तुमने ना कुछ गड़बड़ कर दी है, तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है, टैग मेरे प्रॉपर नहीं बने, नहीं तो आउटपुट में मेरा प्रॉपर टैग मेरे पास आना चाहिए था, ठीक है। अब क्या करते हैं डायग्नोस्टिक में चलते हैं, एक बार डायग्नोस्टिक में जाते हैं। यहां पे भी कई बार ये बताया था। अब इसने व्यू एक्सएमएल जब करेंगे, व्यू एक्सएमएल में मेरे को ये एक्सएमएल दिखा देता है क्या एक्सएमएल इसने बनाया है। क्यों नहीं दिखाया इसने, एक बार रिपोर्ट का टाइप देखते हैं, दिखाना चाहिए था इसको। एक बार रिपोर्ट का टाइप देखता हूँ सही भी है कि नहीं। यस, रिपोर्ट का टाइप एक्सएमएल है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। क्या मैंने टैग्स यहाँ पर सही बनाए, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है रिपोर्ट के टैग मैंने सही बनाए। क्या ये टैग कंट्रोल एक्स करके क्या ये बाहर होने चाहिए कि मेन टैग ऐसे आए और फिर मेरी वैल्यूज डेफर करें। कंट्रोल एक्स लिया, लूप के बाहर डाल दिया, एक्सएमएल क्रिएट ही नहीं हुआ मेरा, ठीक है। ये किया, फिर से एग्जीक्यूट कर दिया पैक प्रोसीजर को, ठीक है। आप चलते हैं देख लेते हैं, यस कंप्लीट हो गया। दोबारा रन करता हूं सेम रिपोर्ट को, कंप्लीट होगी। व्यू आउटपुट करते हैं,
व्यू आउटपुट करने पे देखो टैग के साथ आपका डेटा आ गया। गौर से देखो, जो मेरी पहले मेरी कौन सी रिपोर्ट थी, रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, ये भी गलत थी, ये लॉग था। ओके, रिपोर्ट टैक्स रिपोर्ट नहीं है। टैक्स रिपोर्ट में देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो एक ये, ठीक है, दूसरा फिर ये, तीसरा फिर ये, और चौथा फिर ये, चार मेरे टैग जो है यहां पर इजीली बन गए। ठीक है, आप अभी भी इसके अंदर अभी भी छोटा सा गैप है, अगर आप गौर से देखो अभी भी छोटा सा गैप है। ये इस तरीके से एक ही टैग के अंदर दे रहा है, बल्कि ये सेपरेट टैग होना चाहिए, एक एक लाइन के हिसाब से सेग्रीगेट होना चाहिए, ये फर्दर टैग मेरे ब्रेक होने चाहिए। तो देखो मैं अपने टैग को फिर से ब्रेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉय डिटेल थी, अब इसको देता हूँ यहाँ पर कोई भी एक टैग, लाइक कि ये मेरा एम्प्लॉय डिटेल है, रो डिटेल लिख देता हूँ, रो डिटेल, और सेम को कॉपी करके, मतलब हर एक लाइन भी मेरी सेग्रीगेट होनी चाहिए, इसको यहाँ पे एंड कर देता हूँ। आपको हर लेवल पे डिफरेंस देखना है, ये मैं हटा रहा हूँ सो देट आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, हेडिंग की बात मैंने अभी भी कहीं भी नहीं की है, याद रखना कहीं भी हेडिंग की बात नहीं की है। ये मेरे हैं कौन से टैग, ये मेरे हैं डेटा वाले टैग, और ये डेटा के टैग को बता रहे हैं कि डेटा का एक लाइन जब पहली लाइन प्रिंट हो तो इस वाले टैग के अंदर प्रिंट हो। अभी कैसे प्रिंट हो रही है, गौर करके देखो, अभी कंटिन्यूअसली प्रिंट होती चली गई, जो कि लॉजिकली गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बता रहा है कि एम्प्लॉय डिटेल एक इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर ये एक रो है, ये एक तरीके से रो के तरीके से काम कर गया, जो कि गलत है। अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूं, अब आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपका टैग जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। देखो दोनों टैग्स में डिफरेंस देखो, इस वाले टैग में और इस वाले टैग में, देख के समझ में आ रहा है। जब मैं पहली रो की बात कर रहा हूं तो देखो रो मेरी मेरी मिनिमाइज और एक्सपेंड हो रही है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, चार रो को एक एम्प्लॉय डिटेल का एक्चुअल रिपोर्ट बना, क्लैरिटी आ रही है। यहां पर क्या हो रहा था, एम्प्लॉय डिटेल नाम की एक रिपोर्ट बनी, लेकिन सब कुछ एक ही रो के अंदर ले आया, और वो भी अलग अलग तरीके से कॉलम, जो कि देखने में ठीक नहीं लग रहा है तो करने में कैसा होगा। हालांकि मैं इसका आउटपुट भी आपको बना के दिखाऊंगा और इसका आउटपुट भी बना के दिखाऊंगा। एक एम्प्लॉय डिटेल रिपोर्ट जिसके अंदर चार रो का डिटेल आ रहा है, फर्स्ट रो में क्या वैल्यू है, सेकेंड रो में क्या वैल्यू है, थर्ड रो में क्या वैल्यू है, फोर्थ रो में क्या वैल्यू है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर कैसे की थी, सेम चीज़ चारों रो मेरी सीधे सीधे प्रिंट हो गई थी, कब, जब मैंने टेक्स्ट रिपोर्ट बनाई थी और लूप में सीधे आउटपुट प्रिंट करा दिया था, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इस रिपोर्ट को बोलते हैं पीएल सीक्वल बेस्ड टैक्स रिपोर्ट, और इस वाली रिपोर्ट को बोलते हैं पीएल सीक्वल बेस्ड एक्सएमएल या एक्सेल बेस्ड रिपोर्ट। ठीक है, आप एक्सएमएल से किसी भी तरीके का लेआउट अपना जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरा क्या हो गया, रिपोर्ट बन गया पीएल सीक्वल बेस्ड, कौन सा, एक्सएमएल रिपोर्ट मेरा बन गया एक्सएमएल। एक देखो, जब तक, एक चीज का मतलब और समझ लो, जब तक मेरी रिपोर्ट पे, कई बार यूजर आपके पास ये लेके आता है क्वेश्चन कि सर मेरी एक्सेल बेस्ड रिपोर्ट थी लेकिन आज मेरी रिपोर्ट में एक्सेल आउटपुट नहीं आ रहा है, ये इस तरीके का एक ट्री स्ट्रक्चर बन के आ रहा है इस तरीके का, यूजर ऐसी चीज आपके पास लेके आएगा और आप ये सोचोगे कि भाई ये रिपोर्ट तो चल रही थी, इसमें अचानक क्या हो गया। तो कुछ नहीं होता है, कई बार जब हम अपनी रिपोर्ट पे जो टेम्पलेट लगाते हैं, टेम्पलेट की बात करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना है, जब हम अपनी रिपोर्ट पे टेम्पलेट नहीं लगाते हैं या उस टेम्पलेट का लिंक डिफरेंट हो जाए, टूट जाए मेरी किससे, मेरी इस रिपोर्ट से, तो रिपोर्ट के आउटपुट में, ध्यान से सुनना, रिपोर्ट के आउटपुट में और रिपोर्ट के डायग्नोस्टिक में जाकर के एक्सएमएल के अंदर, व्यू एक्सएमएल पे जब क्लिक करते हैं तो एक्सएमएल आपको दिखाता है। मतलब अभी चलो, यस 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 आई रिमेम्बर दैट, क्या होता है, अभी
लेआउट अटैच नहीं है इस वाली रिपोर्ट पे, इसकी वजह से सेम चीज़ जो आपको यहाँ दिख रही है, जब लेआउट अटैच हो जाएगा फिर भी अगर आपको ये देखना है तो क्या होगा, व्यू आउटपुट आपका एक्सेल खुलेगा, एक्सेल। लेकिन अगर आपको उसका एक्सएमएल देखना है तो डायग्नोस्टिक में जाना है एंड व्यू एक्सएमएल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो एक इसका लेआउट बना लेते हैं, लेआउट कैसे बनेगा वो देखते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, अपने डेस्कटॉप पे गए, एक अपनी क्या किया, ये मेरी कौन सी फाइल होगी, ये मेरी फाइल है वर्ड फाइल, राइट। कुछ नहीं करना है, वर्ड फाइल पे सबसे पहले अपने फोल्डर ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शंस ये रहा, फोल्डर ऑप्शन पे जाना है, व्यू पे जाना है और एक्सटेंशन जहां पे मेरी फाइल के एक्सटेंशन भी दिखते हैं यहीं कहीं पे होता है, ये रहा, हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप। तो इसको हटाना है, हाइड नहीं करना है, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, डेस्कटॉप पे आया था, फाइल का टाइप क्या आ रहा है, डॉट DOCX, इसको कर देना है RTF, एंटर कर देना है, यस कर देना है। फाइल को कोई भी नाम दे लो, मोस्टली ट्राई करो जो आपके प्रोसीजर का नाम है, सिमेट्री रखने के लिए और हमेशा याद रखने के लिए सेम रखो, कभी भूलोगे ही नहीं। अब मैं इस फाइल को खोल लेता हूँ, अब मेरे पास क्या है, ओके एक चीज़ और डालना है, एडेंस डालना होता है।